हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जाम में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले छोड़ दी थी एसएससी सीजीएल की। मतलब एक साल से मैं टच में नहीं हूँ। इंग्लिश की प्रैक्टिस मैंने कुछ नहीं की हुई है, जीके की प्रैक्टिस मैंने कुछ नहीं की हुई है और रीजनिंग की कुछ खास मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। सिर्फ दो चार चैप्टर मैंने लास्ट ईयर नवंबर में लगाए थे, वो भी टीचिंग एग्जाम्स की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस करने, मतलब थोड़ा सा 10 मार्क्स के लिए मेरे को रीजनिंग पढ़ना था, तो एसएससी सीजीएल के थोड़ा सा मैंने रीजनिंग वहाँ से किया था। बाकी मैथ्स अर्थमेटिक मैंने पिछले साल 11 अप्रैल को जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था तो तभी किया था। ठीक है, उससे पहले ही, उसके बाद मैंने अर्थमेटिक नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। और जो बाकी मैथ्स का पोर्शन होता है एडवांस वाला, वो मुझे बहुत ईजी लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी मैं टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ, कराती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरी वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। और एडवांस मैथ्स तो मुझे पहले से बहुत ईजी लगता है। ठीक है, तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत लगती नहीं कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, वो चीज़ें माइंड में फिट रहती हैं तो रहती हैं। ठीक है, तो और इंग्लिश की मैंने 2018 में जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, 1 जनवरी 2018 से, तो तभी से ही मतलब प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा उस टाइम पे 2018 में ही मैंने काफ़ी कुछ तैयारी की होगी, तो तब मैंने तभी बहुत ज़्यादा इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस की थी जो मुझे अब तक हेल्प कर रही है। ठीक है, कुछ इंग्लिश ज़्यादा, मतलब पेपर का लेवल कुछ हद से ज़्यादा टफ तो था नहीं। जैसे 2018 में आया था तब बहुत टफ था, लेकिन अब इतना टफ है नहीं। ठीक है, मतलब जैसा इस बार एग्जाम आया तो अब इतना ज़्यादा पेपर टफ नहीं आ रहा है। हालांकि बता रहे हैं कि 3 मार्च का पेपर और शिफ्ट के कंपैरिजन में टफ है, लेकिन 3 मार्च को ही मेरा एग्जाम था तो मुझे कोई ज़्यादा टफ तो लगा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरी थोड़ी और तैयारी होती तो और ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि मैं एक साल से टच में ही नहीं हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में मेरे 30 में से 3 क्वेश्चन गलत हुए। एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाला गलत हो गया, उसमें मैंने वेरिएंस तो निकाल दिया था लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए रूट करना था, जो कि वहाँ जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, जिस वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ। तो 78 मार्क्स मेरे मैथ्स में बने हैं। रीजनिंग की मैंने कहा कि मैंने हद से ज़्यादा, मतलब कुछ खास प्रैक्टिस मैंने रीजनिंग की नहीं की हुई थी, वहाँ पर बस ये था क्वेश्चन बन रहे थे जितने भी बने। थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा रीजनिंग में मैं कह सकती हूँ कि हाँ थोड़ा कम मार्क्स बने हैं। 57 मार्क्स मेरे रीजनिंग में बने क्योंकि क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, क्योंकि मैंने कहा ना मैं टच में नहीं हूँ। और रीजनिंग की और मैथ्स की, मैंने मैथ्स का तो ये है कि मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा वो हो गया एक्सपीरियंस, लेकिन रीजनिंग का मैंने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा हुआ था। ठीक है, थोड़ा गला खराब है, आवाज़ पता नहीं क्यों खराब हो रखी है, सही नहीं हो रही है, तो अगर कुछ इशू हो तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। रीजनिंग के लिए मेरे 57 मार्क्स बने हैं। इंग्लिश में मेरे 111 मार्क्स बन रहे थे बट नेगेटिव होने की वजह से 102 ही बने हैं। और जीके इजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे 27 मार्क्स ही जीके में बने हैं। ठीक है, वही कि मतलब मैंने कुछ खास प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए हों। 2-4 मॉक्स मैंने सीजीएल प्री के ही लगाए थे जो कि 2022 का था, और वैसे मुझे आइडिया लग रहा था अंदर से, क्योंकि इस साल जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं टीचिंग एग्जाम्स हों या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, सारी मतलब लिटिल बिट इजी ही आ रहे थे, तो मुझे इतना अपने मन से ही लग रहा था कि एग्जाम ईजी ही आएगा, तो उस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। इंग्लिश का ऐसा होता है, जब आप एक बार हद से ज़्यादा तैयारी कर लेते हो ना, तो फिर इतना होता है कि आपके अंदर वो चीज़ें लर्निंग एक बार हो जाती है, फिर उसे आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार 6 महीने या 1 साल दबा के पढ़ो, उसके बाद ये है कि आपको, अगर आप किसी और फील्ड में नहीं हो, सिर्फ उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको हल्का फुल्का ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, 2018 में डीवी तक चली गई थी, लेकिन फिर 2019 में मेंस क्वालिफाई हुआ था, टियर 3 में रह गई थी। फिर उसके बाद मैंने 2021 वाला दिया नहीं था, 2020 वाला दिया नहीं था क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गई थी, और 2021 में मैंने दिया था लेकिन उसका प्री क्वालिफाई ही नहीं हुआ था क्योंकि वो टफ था, शायद उस टाइम का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था। ठीक है, फिर उसके बाद 2022 वाला जब दिया है तो इसमें ये रिजल्ट है, और शायद मैं 2023 की प्रिपरेशन अब शायद करूँ अच्छे से, क्योंकि वैसे तो मेरा दो जगह फोकस जा रहा है, टीचिंग एग्जाम्स पर भी और इस पर भी, बट ये मुझे ऐसा लगने लगा है जिस एग्जाम को लेकर के, जब मैंने 2018 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था उस टाइम पे। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस टाइम पे मुझे सिर्फ सीजीएल ही था, और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर हो चुका था सीजीएल एग्जाम को लेकर के। तो उस डर, उस प्रेशर के अंदर आकर के मैं उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उतना अच्छा मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, और अब ये है कि अब डर है ही नहीं, चलो भाई आता है दे के आ जाओ नॉर्मली पेपर, बिना पढ़े दे के आ जाओ। तो खासकर मैंने, मतलब कोई खास मैंने मॉक्स भी नहीं लगा रखे हैं, बस 2022 के सीजीएल के प्री कुछ लगाए थे टेक्स्ट बुक से।
ठीक है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक तो अपने अंदर से डर निकाल दो, ठीक है, क्योंकि डर बहुत ही बेकार चीज़ है, जो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा हो गया था। जब जब एक चीज़ का फोकस होता है कि यार सीजियली करना है, सीजियली करना है, सीजियली करना है, तो वो अपने अंदर एक डर पैदा हो जाता है। और फिर मेंस में जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने मेंस दिया था, तो हालांकि मैं एवरेज स्टूडेंट से भी ऊपर ही रही हूँ अपनी क्लास में, ट्वेल्थ तक, बीएससी तक, ठीक है, एमएससी तक इवन, लेकिन एक डर हो जाता है ना एक एग्जाम को लेकर के, अपने अंदर एक डर पैदा हो गया। तो उस डर की वजह से मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हुई उस डर की वजह से सिर्फ, वरना ऐसा कुछ खास है नहीं सीजियल में। अब मुझे लगता है अब तो वैसे भी पैटर्न ईजी हो गया पहले की तरह, पहले के हिसाब से, बस ये कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई, थोड़ा वो भी डिफिकल्ट है, टिपिकल हो गया है। तो बस वही चीज़, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना 2023 की तैयारी कर रहे हो और पहले से तैयारी कर रहे हो, तो एक तो अपने अंदर से डर खत्म कर देना, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए अंदर। अगर ज़रा सा भी डर है तो वो आपको पीछे खींचेगा, ठीक है, वो डर ही खत्म करना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक डर हटा दो अपने अंदर से, ठीक है। तो फाइनली बात करते हैं मार्क्स की। 78 मार्क्स मैथ्स में, रीजनिंग में 57, इंग्लिश में 102 हैं, जीके में 27 हैं। हालांकि जीके काफ़ी ईजी थी, अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ती तो हो जाता, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स होता और भी, ठीक है। टोटल ओवरऑल मेरा बन रहा है 264, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 3 मार्च को मेरा पेपर हुआ था, 264 मेरे मार्क्स बन रहे हैं, और कंप्यूटर में मेरे मार्क्स बन रहे हैं 29, ठीक है। तो शायद कंप्यूटर में पास हो जाऊं, देखते हैं आगे क्या होगा। बस मैं यही कहूंगी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम हो, KVS हो, NVS हो, या फिर DSSB हो, या फिर SSC का एग्जाम हो, आपको कोई भी एग्जाम हो, एक बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है ना, तो इंग्लिश एक बार इस तरीके से पढ़ लो कि किसी भी एग्जाम में आए आप उसे कर दोगे। ये नहीं आप आज उस टीचर से पढ़ रहे हो, कल उस टीचर से पढ़ रहे हो, परसों उस टीचर से पढ़ रहे हो, 10 टीचर के बजाय एक चीज़ को पकड़ो और उसी को फॉलो कर लो बस, ठीक है। वो आपको इतनी हेल्प करेगी ना एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कंप्यूटर मैंने टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा था, तो वो मेरा यहाँ पर भी काम आ गया। तो यही है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो वो किसी भी एग्जाम में आ जाए आप बहुत इजीली कर लोगे। अब जो मैथ्स टीचिंग एग्जाम्स में है वही मैथ्स यहाँ पर, अब पैटर्न उन्होंने बदल दिया तो उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। पैटर्न बदलने से मेरे ऊपर तो फर्क पड़ा नहीं है पैटर्न बदलने से, क्यों? क्योंकि मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन थे मुझे वैसे के वैसे ही वो टीचिंग एग्जाम्स में वही सिलेबस है, ठीक है। ये तो 10th लेवल का है, मैं टीचिंग एग्जाम्स में तो ऊपर तक का चला जाता है, 11th 12th BSc वगैरह, तो वो ज़्यादा इफेक्ट डाला नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे 10th तक का तो बहुत ईजी लगता है और पहले भी प्रैक्टिस की हुई है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जिस भी सब्जेक्ट को आप पकड़ रहे हो ना, अगर इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश को ऐसा कर दो 6 महीने में, अगर बिगिनर हो बिल्कुल ही, कि किसी भी एग्जाम में आए आप कर दोगे रीजनिंग, क्योंकि जो वोकैबुलरी है वो आपके टीचिंग एग्जाम्स में भी वही आएगी, आपके SSC में भी वही आएगी। रीजनिंग है तो वही रीजनिंग भी अगर देखी जाए तो टीचिंग एग्जाम्स में भी वही सर्कुलर अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, और सिलोगिज्म, तो यही 2-4 चीज़ें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो यही 2-4 चीज़ें आपको पूछी जानी हर टीचिंग एग्जाम्स में। और पेपर इस साल जो आ रहे हैं वो बहुत मुझे ईजी ही लग रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी मुझे भी थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक तो पढ़ाना भी होता है और खुद पढ़ना भी होता है, तो वही है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में मैं लैक कर जाती हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप एक एज एन एस्पिरेंट भी मैं यही कहूँगी, एज अ टीचर भी मैं यही कहूँगी, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी सब्जेक्ट करते हो ओरिएंटेड करो। आलतू फालतू पढ़ने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और यही गलती मैंने भी अपनी लाइफ में की है, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो बुक, हद से ज़्यादा बुक्स इकट्ठा करना, हद से ज़्यादा पढ़ना, वो बेकार सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा। ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो बस, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और SSC की तैयारी अगर कर रहे हो ना, तो प्रीवियस 3-4 साल का जो प्रीवियस ईयर है 2018 से वो कर लिया, तो उससे बाहर तो आपका कुछ जाने वाला है ही नहीं, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन मुश्किल से जाएगा। बाकी प्रीवियस पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी जो आपका पैटर्न चेंज हुआ उसके सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो, जो भी 2023 वाले तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। बस अगर GK पढ़ रहे हो तो GK जो आप वहाँ के लिए पढ़ोगे, CGL के लिए वही आपको अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगी होगी। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, ऐसा पढ़ो कि वो किसी भी एग्जाम में आ जाए आप उसका कर दोगे, ठीक है। बट एग्जाम का लेवल सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे टीचिंग एग्जाम्स और SSC का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब ये नहीं कि UPSC के लिए तो फिर बहुत हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं मैं कह रही हूँ, जो सेम लेवल के एग्जाम्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यहाँ से कुछ आपको मोटिवेशन मिले या कुछ भी आपको हेल्प मिले, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ
उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे अगर एसएससी सीजीएल 2023 की मैं कुछ तैयारी करूंगी, अभी तक तो नहीं किया था, मतलब वही है ना, गैप हो जाता है किसी चीज़ की वजह से, ठीक है, कभी कुछ काम हो जाएगा, कभी कुछ ना कुछ मेरे साथ हमेशा हुआ है, कभी तबीयत खराब हुई है, कभी कुछ काम हो गया घर पे जिस वजह से नहीं हो पाया, तो हमेशा हुआ है। अगर आगे मैं, मतलब मैं, ऐसा है कि मैं अकेले जितना टाइम दे सकती हूँ उतना टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे लोग कहते हैं हम 7-7, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं सीजीएल के लिए, तो ये मैं नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी मैं 7-7, 8-8 घंटे, मेरे बस का है भी नहीं। हाँ इतना हुआ है कि जब मैं 2018 में स्टार्टिंग है 6-4 महीने, सिर्फ स्टार्टिंग है 4 से 5 महीने जनवरी से मई तक, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने घर से ही प्रिपरेशन करी है, कोई खास मैं कहीं इधर उधर से, मैंने बाहर दिल्ली वगैरह कोचिंग नहीं किया है कहीं से भी, सिर्फ सेल्फ स्टडी है, बाकी कहीं से मेरा कोई कोचिंग नहीं है। थोड़ा बहुत जहाँ पर मैं, यहाँ पर कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था रुड़की में ही, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत हेल्प हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन उस जब वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली थी, पढ़ने में हेल्प हुआ था लेकिन गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली थी, जिस वजह से मैंने सब कुछ यूट्यूब से किया। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सर्च करके, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखी हैं, कुछ नोट्स अपने हैं जो उनसे सीखा है, कुछ टीचर्स जो मैं कह रही हूँ कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था वहाँ से मुझे इंग्लिश में काफ़ी हेल्प हुई है। जीके और रीजनिंग तो वहाँ पढ़ा ही नहीं है, जीके और रीजनिंग तो कभी पढ़ा ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बस मैथ्स का थोड़ा बहुत अर्थमेटिक का पोर्शन, क्योंकि एडवांस तो मुझे तब भी अच्छे से आता था क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ाती थी बच्चों को, तो वो चीज़ें मेरी बहुत सारी क्लियर थी पहले से ही, 10th लेवल तो मैंने अभी पढ़ा रखे थे स्टूडेंट्स, तो वो क्लियर थे वहाँ से, और पहले से बचपन से ही मैथ्स ठीक है तो वो मुझे इतना दिक्कत करता नहीं है। थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी अर्थमेटिक के शॉर्ट मैथड सीखने में, तो वो थोड़ा जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था तो इंग्लिश में मुझे काफ़ी वहाँ से हेल्प हुआ था, ठीक है, इंग्लिश तो मुझे कोचिंग की ही देन है, खैर उस कोच जहाँ मैंने पढ़ा था वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है इंग्लिश में, हालांकि मेहनत अपने आप बहुत करनी पड़ी थी, और क्या कहते हैं अर्थमेटिकली मैंने यूट्यूब से सर्च की हैं चीज़ें, एडवांस मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, एडवांस मुझे खुद ही आता था, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी अगर आप बिगनर हो या आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है मैं इस चैनल पर आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगी थोड़ी थोड़ी, जो भी मुझे लगेगा जैसे भी आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बुक्स को ज़्यादा फॉलो करिएगा। ऑनलाइन यूट्यूब से अगर आप सर्च करके पढ़ते हो तो सिर्फ हेल्प लेने के लिए पढ़ना है, मतलब ये नहीं कि एक टीचर पकड़ लिया उसके सारे वीडियोज़ देखने बैठ गए, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप 3 महीने में कभी भी तैयारी नहीं कर पाओगे, या तो आपके पास हो कोई जो आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहे कि ऐसे करना है, गाइडेंस मिलती रहे किसी फ्रेंड से, किसी टीचर से, किसी स्टूडेंट से, वो सबके सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, या फिर आप क्या करो बुक्स को ज़्यादा फॉलो करना, मैं यही कहूँगी बुक्स अगर ज़्यादा फॉलो करोगे तो आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, लेकिन बुक्स भी आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आपको पहले से चीज़ें आती होंगी, जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब तो आपको किसी को टीचर का बिल्कुल ही बिगनर हो, नहीं आती हैं चीज़ें, तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, और टीचर जब आपको पढ़ाएगा तभी आपकी चीज़ें, तब तो आपको 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। अगर एवरेज से अबव स्टूडेंट हो तो आप बुक्स को फॉलो करके थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ करके, थोड़ी बहुत कोई चीज़ नहीं आई समझ में यूट्यूब से देख लिया एकदम से, तो हर एक चीज़ को पढ़ने का एक तरीका है, अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से होती है, ठीक है। वो कैब पढ़ रहे हो तो घूमते घूमते पढ़ लो, जीके पढ़ रहे हो तो घूमते घूमते वन लाइनर्स पढ़ लो, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपकी एक नींद नहीं आती उस टाइम पे पढ़ते हुए, वो कैब मैंने जितनी भी याद की घूमते घूमते हुए याद किया है हमेशा, ठीक है। तो यही आपसे कहूँगी अगर तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा फॉलो बुक्स को करना, ठीक है। बाकी मैं वीडियोस थोड़ी थोड़ी अपलोड करती रहूँगी क्योंकि बुक्स से जो आउटपुट निकलेगा ना वो यूट्यूब से नहीं निकलता भाई, ये मैंने भी देखा है। यूट्यूब से पढ़ो, अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना और उसी टीचर का पढ़ो, 10 टीचर के चक्कर में पढ़ गए तो फिर तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक ही टीचर से पढ़ो, चाहे उसका पेड कोर्स ले लो, उनका अगर आपको समझ आता है तो उनका पेड कोर्स लो, और नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे तो फ्री बहुत कुछ पढ़ा है अगर आप पढ़ना चाहते हो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो बस एक सही प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को चाहिए और कुछ नहीं, ठीक। प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस मेन है, बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं यहाँ पे करती रहूँगी, कुछ भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।